आई से तो हम सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे उठ गए थे, तो नाश्ता पानी बनाया और निकल चुके हैं अपने घर के लिए। काम निपट चुका है, फिर आना है वापस, तो आ गए हैं हम स्टेशन आला सुबह। तो ये जा रहे हैं, बहुत जल्दी में आती है क्योंकि ट्रेन ये कौन सी है क्या बोलते उसको, मेमू आ गई है लोकल ट्रेन। स्टेशन आ गए, ये देख रहे हो आप यहाँ पर कांगड़ा स्टेशन है। अपन चलना है अपन को दादर, दादर से पकड़ेंगे CSMT, ठीक है। भैया जा ट्रेन ज़्यादा भाग रही है इसे, लेकिन भगन नहीं दें आम अंगाई तो कड़न नहीं दें। हाँ बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेन चला हुई को बात दी खत्म लो कह गए पछाए एक जा भगत जा रही। तो लोग आइस आ चुके हम दादर स्टेशन, दादर अच्छे से पढ़ लो जो लिखो देखो दादर नहीं तो देर हो। हम दादर स्टेशन, अब दादर स्टेशन से पकड़ेंगे गाड़ी CSMT के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, ये दो दिन बड़े ही अच्छे गुजरे यहाँ पे, लेकिन आना फिर से है, अभी थोड़ी एग्जाम था इसलिए वापस जाना पड़ा अर्जेंट में, तो चल रहे हैं अभी तो वापस। इस गाड़ी में आप देख रहे हैं लोकल ट्रेन एरिया पूरा C1 पहला, C2 दूसरा, C3 तीसरा, C4 चौथा, C5 पांचवा, C6 अभी दौड़ के उतना आइडिया नहीं था लोकल ट्रेन का, लेकिन अब हो गया है। C9, 11वां, C10, 12वां, C11, 13वां, 14वां, C14, 16वां, 2, 2, 2, 3 डाउन, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। 9 पे चलना है, 9 पे चलना है, यहाँ से जाएंगे प्लेटफॉर्म 9 पे। और बाहर अभी ज्यादा नहीं घूमे हैं, लेकिन यहाँ से आप दुकान की बिल्डिंग आप देख सकते हो, बहुत ही लंबी चौड़ी इमारतें बनी है, नाम ही उसका है भैया पैसे वाले की नगरी है मुंबई। तो हम आ गए प्लेटफॉर्म 9 पर और यहाँ से हमें CST के लिए मिलेगी ट्रेन लोकल। देख रहे हो किस प्रकार से भारी मात्राएं में, मात्रा क्या काउंट में, गिनती में भीड़ पड़ी हुई है। सुबह सुबह लगभग अभी 6:30 बज चुके हैं, बैठे हैं लोकल ट्रेन में और सब रहे थे। देखो ओंगे आ रहे हैं, ये देखो ओंगे आ रहे हैं सब रहे, बहुत सारे से यहाँ से ओगे आउट बैठे हैं। देखो ये आधी से ज़्यादा कितने परसेंट तो ओंगे आ ही रहे, बाकी 9% में हमें ये नहीं ओंगे आ रहे हैं। भाई जो आप देख सकते हो अभी रोड रोड देख लो, अगली बार आएंगे तो दिखाएंगे मुंबई में बहुत कुछ, फिलहाल में इतना ही कुछ। खुश रहो और देखते रहो, हम पहुंचने वाले हैं महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, जो सबसे बड़ी स्टेशन है मुंबई की, वहां पे हम पहुंचने वाले हैं उसी छड़ों में, वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे पुष्पक एक्सप्रेस, लगभग 8:30 पे है सुबह की। भैया तो कछु नहीं देगा, कितना कितना बिल्डिंग है देख लो, हल्की पतली सी, अपने अपने एरिया की सबसे बड़ी इमारतें देख लो जैसे, लेकिन ये तो कि छोटी है।
अगला स्टेशन महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कॉलोनी बनी हुई है, यानी बड़ी फ्लैट बनी हुई है। हम आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो सबसे बड़ी स्टेशन है शायद मुंबई की, शायद। तो चलते हैं, आप उतरते हैं। देख सकते हो आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उतर चुके हैं हम। आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो मुंबई का सबसे बड़ा स्टेशन है, और यहाँ लग भी रहा है, इतनी भीड़ होते हुए भी इतना कुछ नहीं दिख रहा है। आप स्टेशन ही देखिए कितना बड़ा है। आप ये देख लीजिए कि मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है कितना बड़ा है, और एरिया देख सकते हो आप, बहुत बड़ा है, कुछ कह ही नहीं सकते। लगभग दिन भर अगर गुम जाओ तो दिन भर लग जाएगा फिर गुम जाने पर ढूंढने में, ठीक है। और बाकी तो हम चल ही रहे हैं और दिखाई रहे हैं। पहले हमें जाना 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अब समझ जाओ कि 15 भी प्लेटफॉर्म पर जाना है तो कितना बड़ा होगा। देख सकते हैं एनसीसी वाले भी जा रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट। बाकी हम आ चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पहले आप ये देखिए इधर। अच्छा, हाँ तो हम आ गए हैं यहाँ पे। अब हम पहले तो क्या किया जाए, पहले चला जाए यहाँ से। ये देख सकते हो आप रेल एक्सप्रेस गाड़ी जा रहे हैं। पहले तो स्टेशन आप देख सकते हो, स्टेशन तो बाद में दिखाएंगे, ट्रेन का समय तो अभी नहीं हुआ है। और ये देख सकते हो आप पूरा पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो वैसे तो हम कच्ची लाइन नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं स्टेशन दिखा रहे हैं आपको। ये नहीं सोचना कि स्टेशन इन्होंने देखी नहीं, तो इससे बड़ी बड़ी कई देख ली है, लेकिन बता रहे हैं आपको, जिसने नहीं देखा हो वो मुंबई की स्टेशन देख सकता है, ठीक है। मुंबई की स्टेशन देख सकता है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 है और उसके बाद 11 भी है, और क्रम बाई क्रम लिखा है 14-15। ये बढ़िया, देखो यात्री देख सकते हो आप, यात्री कितना भरा हुआ है घूरे की तरह। और वहाँ पे हम 13 पे आ गए हैं, 13 के बाद यहाँ पे 14। अभी हम स्टेशन ही पे घूम रहे हैं, आप देख रहे हो 14-15 स्टेशन है, मतलब 14-15 प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देख सकते हो आप इतना अच्छा दृश्य है, चित्र है, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, ठीक है। फिर से हम जन्म परेशान चल रहा है, कहा कि नींद पूरी एक दिन वहाँ से कैसे डरी, कैसे डरी। दवाई दुकान लगी झंडुआ में गई, बीमार भी नहीं हो सकता, धूप है, जोड़ों का दर्द हो कुछ भी है। अब आगे देखो चलते फिरते ट्रेन में, चलो मैसेज ये काढ़ा है, दवाइयाँ दवाइयाँ।
देखे कंपनी का 50 रुपए भाई साहब, मतलब देखो देखने का पढ़ने का पैसा कोई दाम नहीं भाई साहब। आप तो जे कहिया आपको ट्राई करो टेस्ट करो, अपने पूरे मामा दाखे भी खा सकत मेरी का 130 रुपए। आइसक्रीम भी मैं ले आ, आप बताओ अब गर्मी कैसे लगे, कैसे लपट लगे ट्रेन में ये लाइन कर रहे भैया, कोल्ड ड्रिंक्स ये लाइन कर रहे भैया, आइसक्रीम दो दादा ला भैया, ये ठंडा ठंडा बोलो भाई दादा शिरवे टाइम देख लो, चार छल्ला डाल लो, देखो सब व्यवस्था हो रही है, खासकर जनरल डिब्बा में। वाह कितनी सुविधा है, आदमी का जनरल डिब्बा खराब कितनी सुविधा है। आइसक्रीम मिल गई घड़ी, 100 रुपया में घड़ी देख रहे थे, बैग दिखा हुआ है पहचानो जो अपना धरो पन्नी में बोतल धरी जी, देखो बैग दिखा हुआ। और दूसरी बात देखो अब तनक कमी है कि अंगूर वाय भी आ गए, अंगूर टांग के भी आ गए, देखो जी अंगूर वाय आ गए हैं। ये भाई चना मना खान लगी, देखो चना अलग मिल रहे ना, सब व्यवस्था है। कितो खाओ बेटा पैसा बढ़ा दे, शक्कर से टक्कर अंगूर लो पॉलीथन में बाकायदा पे। वाह अब तो काय की लपट लगने, आदमी आ गई यानी ककड़ी भी आ गई, ककड़ी खा लो भैया, आप काका खाओ भैया, हम तो इसे खा नहीं रहे कछु, काका खाओ और भगत आ रहे, अब की का बता दे। देखो तो बच्चों को तो खाना आ गो माँ जी, काके रहती दो अंडा बिरयानी हो बताओ। यार भुसावल है क्या है, यहाँ पे रुके हुए हैं और भाड़ी भीड़ पड़ी है, खाने पीने में चलो पड़ी खाए पिए कछु। और हम लोग मिले हमारे मित्र मुंबई के स्पोर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये हमारे पता नहीं कितना हो गए कहाँ के लखनऊ के हैं, बाकी ये सब बैठे हुए हैं, किसी का भी टाइम पास नहीं हो रहा है, लगातार पसीने से जूझ रहे हैं और थोड़ी वर्षा हुई थी अभी तो बाकी नज़ारा हम दिखा रहे हैं नीचे वर्षा का, वर्षा का नज़ारा। और इनके जो साथ में हैं वो इस प्रकार सो रहे हैं, ये देखिए अपना मुंह ढक के सो रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ कोई, ये देखिए किसी को खाज वगैरह हो गई क्या क्या हो गया है पता नहीं। तो बाकी पल्ला वल्ला झूल झूल जाल रहे हैं सब जने, तो बाकी तो फिर हम देखो ये ब्रह्मा जी की तरह आराम कर रहे हैं। एक हमारे एक खास मित्र लगातार सो रहे हैं, तभी मुंबई से अभी तक भोपाल आने वाला है, इनकी नींद ही कुंभकर्ण जैसी है, तो बाकी नींदें हम बताते हैं अभी थोड़ी और वीडियो देंगे आपको। चलिए हम आ चुके हैं इटारसी जंक्शन और हमारे दोस्त मित्र हैं, जल्दी भैया अनाउंस हो गया है चलने ही वाली है, टिकल हो चुके हैं। इटारसी में भीड़ भाड़ लगी हुई है आप देख रहे हो, आप एक टूट पड़े आदमी 8:30 बज चुके हैं और हमें भी भूख तो अभी लगी नहीं, अपने तो पराठे लगे लेकिन कुछ चाय वहाँ खल गए, बिस्कुट तो खल गए। हम आ चुके हैं भोपाल और भोपाल में पानी भरना था ठंडा, इसलिए उतरे हैं नहीं तो उतरते नहीं, और चल रही बात ये खाना ले रहा है, खाना ले रहा मिल गया है, ठीक है चल रहे हैं अभी खराब है। हम आ चुके हैं पुष्पक एक्सप्रेस से ललितपुर, अभी लगभग रात का कितना बज रहा है, रात का बज रहा है लगभग
साढ़े बारह होने वाला है, कोई गया है और आ चुके हैं ललितपुर में भाई। बहुत पूरी वीडियो बनाई है वैसे हमने मुंबई से आने से लेकर ललितपुर तक, तो आप बताना ये वीडियो कैसी लगी। और इसी प्रकार हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम। ठीक है, चलते हैं।